नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अक्सर जो खास ऐसे जज्बे को लेके चलते हैं अपने जीवन में जो दूसरे को प्रेरणा दे सके, अक्सर उनके साथ होता हूँ। तो आज पुष्पेंद्र भाई के साथ हैं और पुष्पेंद्र भाई ITBP के जवान हैं और पुष्पेंद्र भाई का आज जन्मदिवस है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी ढेरों ढेर शुभकामनाएं दें मेरे छोटे भाई पुष्पेंद्र को। और पुष्पेंद्र से इंस्पायर होने की ज़रूरत इस बात के लिए बहुत ज़्यादा है आज के नौजवानों को, ख़ास तौर पर कि जब आज के युग में या हमारी इंडस्ट्री में या फिल्म फ्रेटरनिटी में या फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में, जैसे आदमी को लगता है कि भाई पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लुट गए, बर्बाद हो गए, और उसके बाद आप आए दिन देखते रहते हैं कि आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, तो ये इतनी बेवजह की बातें आपको लगेंगी। इसके बाद तो पुष्पेंद्र भाई के बाद तो मैं आपको बता दूं कि पुष्पेंद्र भाई का आपसे 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पुष्पेंद्र भाई अपने ये समझिए कमर के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालिसिस है, चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पर, 5 साल से एक जवान ऐसा। और आज जब उनका जन्मदिवस है तो उनकी उम्र आज 32 साल हुई है। तो सोचिए कि 32 साल का एक नौजवान ज़बरदस्त संघर्ष के साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए हुए हैं। तो आप लोग क्यों हताश हो जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? तो आप सब लोग भी पूरे मर्दनी और मादने के साथ रहिए जीवन में और संघर्ष के साथ आगे बढ़िए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहोगे? ये पुष्पेंद्र है मेरा भाई। और पुष्पेंद्र एक बात ज़रूर से कहेंगे, पुष्पेंद्र कुछ बताओ लोगों को, कहो इस बारे में कि लोगों को मजबूती से रहना चाहिए अपने जीवन में। बेवजह हताश होकर गलत कदम उठाना, इसे कुछ नहीं होता है जीवन में। जो चल रहा है उसको झेलिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। पुष्पेंद्र ने कहा कि मुश्किल ना मुकाबिल तो जीना कैसा, मुश्किल ना मुकाबिल तो जीना कैसा, और तूफ़ान से ना खेले वो सफीना कैसा। तो ये तूफ़ान से खेलने वाला सच्चा नौजवान है। तो आप भी पुष्पेंद्र से शिक्षा लें और किसी भी छोटी मोटी बात पे नहीं, किसी भी बड़ी से बड़ी बात पर भी हताश ना हो, परेशान ना हो, और अपने जीवन को संघर्ष के साथ आगे बढ़ाएं। और एक बार फिर पुष्पेंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार, ढेरों ढेर शुभकामनाएं उनके जन्मदिवस पर। और आप सब लोग भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि अगले जन्मदिवस तक पुष्पेंद्र पूरी तरह से ठीक हो जाएं, खड़े हो जाएं अपने पैरों पर। जय हो, जय श्री राम।